दिन की शुरुआत करते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय भोले, जय शंकर। तो अभी जा रहे हैं मंदिर के पास, और आज भाई इतना मस्त धूप निकला हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ ये ऐसा मौसम। बाकी अगर ऐसा मौसम माने तो भाई बारिश न पर कुछ भी हो सकता है। ये देखो भाई, अभी ना मौसम खराब हो चुका है, और आज ना हेलीकॉप्टर वालों की मौज हो रखी है, क्योंकि वैसे तो यात्रा बंद रखी है, पूरा ट्रैक एकदम खाली है। जो ये लोग दिख रहे ना, ये लोकल हो गया, घोड़े कच्चर वाले जो सामान लेके आ रहे हैं दुकान वकान का वही है। बाकी हेलीकॉप्टर जिन्होंने बुक कर रखा आज की डेट का, वो अपना आराम से आ रहे हैं भाई, और उनकी जो यात्रा और दर्शन भाई इतने मस्त तरीके से हो रहे हैं ना, तो एक बार मंदिर के पास जाके देख के आते हैं भाई। और जो आज का अपडेट है वो वहीं पे जाके आपको पता। जो भाई पहले का रास्ता था ना सीढ़ियों वाला, जो पुल टूटा वो भी बन रहा है, और ये जो गोल चक्कर पे आप देख रहे हो कितने सारे टेंट, और यहाँ पर जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ोगे ना, आपको खतरनाक वाला एक सीन दिखेगा, जो कि आप हरिद्वार में देखते हो ना। तो ये जो बना रखा ना गोलधारा, इसमें ओम लगेगा भाई, देख रहे हो नट बोल्ट पूरा, और ये पूरा सामान आ रखा ओम बनने का। तो मतलब अभी तो पैक है ये, जब बनेगा मुझे नहीं पता कि ये शायद इतने महीने बाद आपको दिखेगा, लेकिन ये जरूर दिखेगा भाई। हम जब नेक्स्ट टाइम आएगा ना तो अलग ही लेवल होगा देख। और भाई आज ना लोगों को काम करने का टाइम मिल गया, क्योंकि धूप भी मस्त निकली हुई थी, और जैसे यात्री नहीं आ रखे ना, तो इनके पास क्या काम बचा। देखो जो बर्फ लगी हुई थी दुकान के आगे ढेर, ये भाई हटा रहे हैं, और उधर में उनका चूल्हा खराब हो रखा था होटल वालों का, वो भी ठीक लगे पड़े, क्योंकि टाइम ही टाइम है भाई। महादेव आ गए, महादेव महादेव की जय हो। बस कर दिया। और भाई एक काम और अच्छा कर दिया, क्योंकि जो ये शेड लगी थी ना टीम, ये वाले यार क्या बोलते हैं इनको, सीढ़ी बोलेंगे, तो ये थी ऊपर वाली जो सीढ़ियाँ वहाँ तक। बाकी अब ये 1 2 3 4 5 और लग गई, ऐसे ऐसे नीचे तक भी लग जाएगी। वाह, ये सही हो गया, क्योंकि भाई स्नोफॉल भी होती है, बारिश भी होती है, धूप भी पड़ती है, तो ये काम मस्त कर रहे हैं। अभी जैसे इनको टाइम मिला ना, ये टाइम वैसे ये चीज़ें ना बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इससे पहले यात्रियों को इतनी दिक्कत हो रही थी भाई, स्नोफॉल हो रही थी, रेलिंग के बीच में खड़े रहते थे, दो दो तीन तीन लाइन बनाकर इतनी दिक्कत रहती थी, स्नोफॉल गिरती रहती थी, बारिश जिसमें बच्चे भी होते थे साथ में। हाँ, हर हर महादेव। सुन, सुना दे। नया बना, नई नई अभी चेकिंग के लिए नया जारी कर रखी, करके बना दे। ओके, अपडेट ये मिला के भाई, ये जो बना ना, तो यहाँ पर एक चेकिंग का बना रहे हैं, टोकन सिस्टम बनेगा, जो यात्रा पास वो चेकिंग का बनेगा। तो एक तो पीछे हेलीपैड के पास में एक यहाँ है, एक उधर लगा हुआ था, बाकी एक बार होने दो, उसके बाद मिल जाएगा यार अपडेट। कि भैया जी ठीक है, हर हर महादेव, बोले कि जय हो। ये देख भाई नाक से क्या कर रही है, टाइम है सबके पास में भाई। जैसे आए ना, देखो बाबा के कपाट खुल चुके हैं, और जिन्होंने दर्शन नहीं किए थे ना, जाके लाइन में लग गए, क्योंकि आका जो रेलिंग है ना टूटा फूटा है, ऐसे लोग चढ़ रहे हैं बस। हर हर महादेव। ओ भाई, जो पहले चढ़ गया ना, मस्त तरीके दर्शन करके आएगा। देव हर हर महादेव, महादेव हर हर महादेव भाई। जोश इतना जोश नहीं देखा कि और जिन्होंने कर लिया उनको उनको पता है कि भाई आराम से जाएंगे। बाकी अगर जिन्होंने ना भी गए ना तो भी आराम से, क्योंकि भाई इतने ही लोग आ रखे हैं, देखो लाइन कितना बढ़ जाएगा, वहां तक चली जाएगा, वहां तक चली जाएगा, आराम से सबका दर्शन होगा। लेकिन लोगों को चाहिए कि हाँ पहले हमारा दर्शन हो जाए मेरे भाई, समझो, क्योंकि नीचे से यात्रा जब रोक दी गई ना, ये लोग आ रखे भाई, या तो ये चोरी चुपके से आए हैं कुछ लोग, जो हमने बात किया जिनसे, वीडियो में नहीं ले सकते भाई उनको, क्योंकि वो खुद ही चोरी चुपके से आ रखे हैं, तो या जो हेली यात्रा चल रही है ना, जो हेलीकॉप्टर से वो आ रखे है बाकी। और भाई आज से कल से तो ज़्यादा, जैसे हम शाम के टाइम में बना था, और अब देखो भाई यहाँ के लोकल लोग भी है, लेकिन जिन्होंने याद दिए कितना बैग रखा हुआ है देख, और देखते एक बार लाइन को होने दो, क्योंकि दरवाजा अभी नहीं खुलेगा, एक बार लाइन को होने दो, देखते कितना लंबा जाता है। भोले पम पम, 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 भोले। और बहुत सारे दोस्त हमसे पूछते हैं कि भाई अगर हम टेंट लेके आते ना तो कहाँ पर हम कैंपिंग करेंगे, तो पहले बता देता हूँ भाई, अगर आप टेंट लेके आ रहे हो तो वाटरप्रूफ टेंट होना चाहिए, और जो अगर टेम्परेचर चलता है ना भाई माइनस में पहुँच जाता है, तो आपका जो स्लीपिंग बैग है माइनस वाला, और एक जो नीचे बताया ना योगा मैट हो या कोई मैट्रेस हो, जिससे आपका जो
कमर है वो मतलब गिली ना हो, वाटर प्रूफ वो भी होना चाहिए। और उसके बाद टेंट के नीचे एक ना पन्नी होती है, त्रिपाल होता है, वो होना चाहिए, क्योंकि नीचे से ना जो डिकैथलॉन का टेंट जिसको कहते हैं वाटर प्रूफ भाई, वो भी सील जाता है। तो एक उसके नीचे बिछाने का त्रिपाल पन्नी लेके आना, और वो मैं जगह दिखाता हूँ भी आप कहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो। अभी मैं आ चुका हूँ भाई मंदिर के पीछे, और देखो ये जो भीमशिला है इसके पीछे ना मतलब इसके आगे ही एक फर्श भी जो बना हुआ है एकदम टाइल वाला, देखो कितने सारे टेंट लगे हुए हैं। यहाँ पर वो टेंट भी है जो आपको रेंट पे मिल सकते हैं, यहाँ पर वो टेंट भी है जैसे यूट्यूबर वगैरह या कोई जिसके पास अपना खुद का टेंट होता है, जो सोचता है कि भाई बाबा के दरबार में जाएंगे और अपना एक दो दिन रुक के आएंगे, तो वो टेंट भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और इस वाले एरिया में देखो भाई ये, और यहाँ का जो रेंट है भाई टेंट का वो है मंदिर के पास में और जो गोल चक्कर वहाँ पे 1000 रुपये पर पर्सन। अब वो है कि यहाँ पे अगर जैसे लोग कम आ रहे तो अभी तो सारा डिस्काउंट ही मिल सकता है, अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो महंगे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी रहने के लिए इतनी जगह नहीं है। यहाँ पे जो पहले थी ना, जैसे पहले होते था 2-3 साल पहले, यहाँ पे होटल भी बहुत ज़्यादा ही थे, लेकिन अब तो टूटे मतलब टूट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला ना, जो छोटे होटल थे उनको बड़े होटल बना रहे हैं भाई। और यहाँ पर ये ट्रैक्टर भाई कैसे आया होगा, इसको कैसे लेके आएंगे भाई समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये बड़ा ट्रैक्टर, छोटे वाले ट्रैक्टर को तो हमने देखा रास्ते में आते हुए, ये महिंद्रा का वाह मेरे भाई, जहाज में आया के कैसे लेके आए, लेकिन लेके आए भाई। और अभी ना बारिश आ चुकी है भाई, देखो अभी बारिश आई है तो मतलब सुनो फुल जरूर आएगा। और अभी हम चलते हैं भाई नीचे, बाकी कुछ और अपडेट मिलता तो हम बताएंगे भाई। और जैसा मौसम आज था भाई, अगर ऐसे ही रहा ना तो यात्रा बहुत ही जल्द खुल जाएगी, क्योंकि आज इतनी खतरनाक धूप निकली हुई थी ना, तो हमने तो जो हमारे कपड़े रखे थे गीले जूते वूते सब उनको सुखा दिया है। अगर ऐसे ही रहा ना तो बहुत जल्द आपको खुशखबरी भी मिलने वाली है भाई। भाई ये देखो ना, पहले बारिश हो रही थी और बारिश बंद हुई तो ये स्नोफॉल चालू कर, अभी तो मतलब चल रहा है लेकिन कब तेज हो जाए ना नहीं पता भाई। लेकिन ये जो ग्रुप ना नीली पन्नी पहन के जिन भाई ने मजे कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जो म्यूजिक बजा रहे ना पीछे उधर में लगे पड़े हैं। और ये भाई देखो, इधर में डांस चल रहा है और उधर में मेहनत चल रही है, जो PWD वाली जो भाई ने पहन के ना चमकीले वाली, वो भाई देखो आप लोगों के ना टीन शेड तैयार कर रहे हैं भाई। जैसे आप यात्रा करना हो गया, आप बारिश से बच जाओ या स्नोफॉल से बच जाओ, जैसे तैयार कर रहे हैं ना, क्या डाल दिया भाई। और मजे है भाई महादेव बाबा के दरबार में, और लो यार दर्शन कर लो यार, और क्या बताए भाई। अभी ना स्नोफॉल भी बंद हो गया, तो हम सोच रहे कि जो हम गलती करके आए ना धूप के चक्कर में, हमें ना छतरा लेके आए ना रेनकोट लेके आए, तो अभी जा रहे भाई। और यहाँ पर ना इतना मस्त तरीके से मतलब यहाँ पे लकड़ वकड़ देख के ना आग जलाया, पहले तो 2-4 लोग ही थे, अभी पूरा भर गया भाई, क्योंकि इसकी जरूरत सबको है। तो अभी देखो कम हो गया ना, और मंदिर में भी वो जो गाने बजते हैं ना भोले बाबा के, वो बजने लग गए हैं, और लाइन बस इतना ही बचा है, ये लाइन नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है यार। तो अभी भाई देखो इतना भीड़ हो रखा है, तो अभी हम तो जा रहे हैं भाई नीचे। ओहो बाकी अगर कल का कुछ अपडेट मिलेगा ना तो भाई कल बता देंगे, क्योंकि अभी तो बता ही रहे कि भाई जो एवलांच रास्ते में गिरे हुए ना, तो उससे वन वे बना रखा रास्ता, तो जो लोग निकल के आ रहे हैं। और कल अगर मौसम खुल गया तो मेरे हिसाब से कल यात्रा खुल जाएगी। वैसे आज बता रहे कि सुबह 11 बजे कुछ टाइम के लिए खोल दी थी, उसके बाद फिर बंद कर दिया।